जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम रोड सेफ्टी को और दूसरे कई तरीकों से इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इस शहर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि पिछले सालों में हमने जो एवरेज रोड फैटलिटीज़ होती थी वो अंदाजन 550 हुआ करती थी मुंबई में, उसको 92 से पिछले साल कम करने में हम लोग कामयाब हुए। अच्छा, इसमें कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है। जहाँ बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे थे, हमने जाके पूरे जगह का सर्वे किया और हम लोगों ने ये देखा कि इसमें हम वो कौन सी चीज़ें बदलाव ला सकते हैं जिससे कि ये कम हो जाए। जैसे कुछ जगहों पर रोड मार्किंग नहीं थी, वहाँ मार्किंग हम लोगों ने लगाई। कुछ जगहों पे स्पीड का इशू था, वहाँ हमने रैम्बलर लगा दिया कि एकदम से रुक भी नहीं जाए, आपकी स्पीड कम हो जाए, आवाज़ आपको आ जाए। कुछ जगह पे ब्लिंकर लगा दिया कि आप जा रहे हैं तो आपको लगे कहाँ जी ब्लिंकर है, मतलब आगे कुछ है। कुछ जगहों पे जो एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है उसको हमने बढ़ा दिया कि अचानक से ऐसे ना हो, धीरे धीरे करके दोनों आ जाओ। कुछ जगहों पे सिग्नल की जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम लोगों ने सिग्नल लगाया। कहीं पे पुलिस डिप्लॉयमेंट करने की ज़रूरत है जिसको विजिबल पुलिसिंग कहते हैं, वहाँ हम लोगों ने किया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि पिछले साल 92 मौत हम कम कर पाए मुंबई शहर के अंदर। तो मुझे लगता है कि बड़ा हिस्सा जो है इसका हम इस ढंग से रोक सकते हैं जिसको कहते हैं या तो मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट लाएं, रोड कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाएं, या वहाँ के सिग्नलिंग विजिबिलिटी, उन सब चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट लाएं, तो हम उसको कर सकते हैं।